हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी मौनी अमावस्या शुभ तिथि शुभ मुहूर्त पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले एक उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या पर ऋषि मुनि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई। इस दिन मौन रहकर स्नान दान पूजा पाठ मंत्र जाप करने का विशेष महत्व है। अमावस्या पर पितरों की आत्म शांति तर्पण भगवान विष्णु व पीपल वृक्ष की पूजा करना शुभ होता है। मान्यता है कि अगर इस दिन दान से पहले सवा घंटे तक मौन रख लिया जाए तो दान का फल 16 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं 2022 में माघ मौनी अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। मौनी अमावस्या तिथि होगी 1 फरवरी मंगलवार को। माघ मौनी अमावस्या प्रारंभ होगी 31 जनवरी रात्रि 2:18 पर। माघ मौनी अमावस्या समाप्त होगी 1 फरवरी प्रातकाल 11:15 पर। आइए बात कर लेते हैं मौनी अमावस्या विधि के बारे में। माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में किए गए स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक पुण्य मौन रहकर जप करने से मिलता है। आज के दिन सुबह स्नान कर मौन व्रत का संकल्प लें। संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें और फिर जल में काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। स्नान के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तिल के लड्डू, तिल, तिल का तेल, वस्त्र, आंवला आदि चीजों का दान करें। आइए जान लेते हैं मौनी अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर पीपल के जड़ में मीठे जल का अर्घ देते हैं तो आपको करियर में बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है और आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। माघ मौनी अमावस्या की रात को आटे का एक दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। साल 2022 में मौनी अमावस्या मंगलवार के शुभ योग में आ रही है, इसलिए यह भौमवती अमावस्या होगी। इस दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का एक दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले फूल, केसर, चंदन और घी का दीपक अर्पण कर विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माघ मौनी अमावस्या की रात यदि आप चंद्र दर्शन कर चंद्रदेव का पूजन करते हैं तो इससे आपके जीवन में चंद्रमा की स्थिति मजबूत बनती है और चंद्रदेव की कृपा से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है।